कहाँ दल बदले हर जो दल बदला उसका तो अभी तक आपने किया नहीं। प्रदीप यादव वगैरह का क्यों पेंडिंग है दो साल से, टमरा लिंडा जी का, दोनों का सेम केस है, तो पर उस पर क्यों नहीं किया, पार्टी भी क्यों नहीं किया, रिसीवर भी क्यों नहीं किया? क्या आप कोर्ट गए हैं इस पर? बिल्कुल हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट में हम अपील किए। क्या अपील किए हैं? कि सदस्यता मेरी बहाल हो जाए। नहीं नहीं, सदस्यता ठीक है, कर दिया हम, मान लिया गलत की क्या क्या है, मान लिया उसको। बट अभी जो सदन जो चल रहा है इसमें तो हमको रहना चाहिए था, हमको मौका मिलना चाहिए था। चुनाव तो लड़ेंगे ही, इतना दिनों तक हम लड़े हैं और लड़ेंगे ही चुनाव, अभी दम है हमर में, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और मैं बता रहा हूँ जीत के हम आएंगे। जब इस झारखंड में जो माननीय गुरुजी के द्वारा ये झारखंड अलग राज्य हुआ, तो इस राज्य में अगर वहाँ आदिवासी को न्याय नहीं मिलेगा तो अलग से आदिवासियों के लिए अलग स्टेट होना चाहिए संथाल परगना। तो आप भी मान रहे कि संथाल में अभी पीड़ित हो गया है आदिवासी समाज, वहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशियों की संख्या अधिक हो गई? बिल्कुल, कभी नहीं बोले कि मुस्लिम या बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है रोहिंग्या की। बोले इस बार जब मंत्री नहीं बने आप तो आपको सब डिमेरिट नजर आने लगा। नहीं नहीं, मैंने दौरा नहीं किया था। और इस साल में कौन कौन सा इलाका में आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब पाकुड़ में, राज पाकुड़ में, साहेबगंज में, दुमका में, गोड्डा में, जामताड़ा में। स्पीकर बोल रहे हैं वहीं संथाल से आते नाला विधानसभा ना, स्पीकर क्या बोलेगा, मुख्यमंत्री के नहीं बोलेगा, क्योंकि वो वोट बैंक बना रहा है, वोट बैंक है उसका, यही है और कुछ नहीं है, सारा चीज जानकारी है। किसको जा रहा है? मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं, लेकिन आज गुरुजी को ये लोग मोहरा बना के रख दिया। आज हमको हमारा जो मेंबरशिप खत्म किया कि गुरुजी को ये पता है क्या? नहीं पता है, मैं दिल से बता रहा हूँ। जेएमएम के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं कई मुद्दों को लेकर। पहले भी सरकार से इनकी नहीं बनती थी, आज भी इनकी घोर आपत्ति है। दादा पहले तो आप जिस तरीके से आपकी सदस्यता को ख़त्म किया गया, अब आप क्या कहेंगे उस फैसले पर? नहीं नहीं, पहले उनसे पूछिए कि तरीका क्या है सदस्यता ख़त्म करने का, तरीका भी होना चाहिए ना, किस तरीके से हमारा सदस्यता खत्म हुआ और किस तरीके से माने चमरा लिंडा जी को नहीं नोटिस किया गया, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, क्या तरीका है उसमें और हमारे में क्या तरीका है हमारा सदस्यता समाप्त कर दिया। स्पीकर कोर्ट में तो जिसकी शिकायत जाएगी वो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि स्पीकर सो मोटो नहीं ले सकते, पार्टी ने आपकी शिकायत की उनकी नहीं की, इसलिए हुआ। नहीं नहीं, नहीं तो उसको डीपली जाना चाहिए ना कि हम दल बदलू हैं क्या, हम दल बदल कर लड़े हैं, बताओ। जब आप नोटिस में लिखता है फैसला भी दल बदलू है, कहाँ दल बदले हर जो दल बदला उसका तो अभी तक आपने किया नहीं। प्रदीप यादव वगैरह का क्यों पेंडिंग है दो साल से, वो दल बदलू है उसको कहा जाता है, हम ये तो हमारा 10 शेड्यूल में आता ही नहीं है किस्ट। तो क्या आप कोर्ट गए हैं इस पर? बिल्कुल हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट में हम अपील किए। क्या अपील किए हैं? कि सदस्यता मेरी बहाल हो जाए। नहीं नहीं, सदस्यता ठीक है, कर दिया हम, मान लिया गलत की क्या क्या है, मान लिया उसको। बट अभी जो सदन जो चल रहा है इसमें तो हमको रहना चाहिए था, हमको मौका मिलना चाहिए था। अरे करते तो दो दिन के बाद पहले भी कर देते, एक महीना पहले कर देते, 15 दिन पहले कर देते, हम क्वेश्चन नहीं डालते। इतना इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो गरीब लोगों का दिए हैं उसका जवाब कौन सुनेगा, उसका जवाब कौन देगा? देने वाला तो देगा लेकिन हम रहेंगे तब ना, कौन सुनने वाला है? तो कम से कम हम यही, हमारा मेरा यही कहना है कि कम से कम सदन में हमको दो चार दिन जब तक चलेगा तब तक हमको मौका मिलना चाहिए, ताकि जो जनहित में हम जो मुद्दा उठाए हैं, जो में जो हमने क्वेश्चन डाला है, उसका सही सही सरकार अगर जवाब देती है तो ठीक बात है, नहीं क्या तो उसका हम विरोध करेंगे। और यहाँ तो सही जवाब मिलता ही नहीं, लेकिन फिर भी एज पर रूल हमको मैंने हमको सुनना चाहिए। और ठीक है, स्पीकर पे जो आप आरोप लगा रहे कि एक आँख में काजल एक आँख में सुरमा लगा रहे हैं कि बाबूलाल और प्रदीप यादव का फैसला नहीं दिया आपका चटपट कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो उस आपसे उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो? नहीं नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी, बट ये दबाव में आया है। किसका दबाव में? पार्टी के दबाव में। और हम आपको बता रहे हैं, अरे दल बदल अभी भी नोटिस पे लिखा हुआ है, कहाँ दल बदल, हम किस दल में थे झारखंड मुक्ति मत, हम किस दल में हम गए ये बतावे। और दूसरी बात है कि आज सेम केस मेरा और माननीय चमरा लिंडा जी का, दोनों का सेम केस है, तो पर उस पर क्यों नहीं किया,
पार्टी भी क्यों नहीं किया, रिसीवर भी क्यों नहीं किया, और ये दल बदल का मामला बनता ही नहीं है। आगे कहाँ देख रहे हैं अपने आप को आप, आपका भविष्य कहाँ है? क्या भविष्य, आप जो आपका अपना भविष्य जहाँ होगा वही होगा, क्या भविष्य बताएंगे? मतलब चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो किस दल में लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ेंगे ही, इतना दिनों तक हम लड़े हैं और लड़ेंगे ही चुनाव, अभी दम है हमारे में, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और मैं बता रहा हूँ जीत के हम आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। ये बात तो आप लोकसभा में भी बोल रहे हैं। लोकसभा का तो इधर उधर होता है, उसमें तो हवा में चल जाता है, लोकसभा का अंतर होता है और विधानसभा का अंतर होता है। अच्छा, हम तो लड़ेंगे ही। आपके क्षेत्र में वहाँ गाय बथान में जो घटना घटी, जो बीजेपी बोल रही है, ये सबको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी नहीं, आम लोग बोल रहे हैं यार, बीजेपी तो मान लिया विपक्ष है तो बोलेगा ही, और जो जर्मिन माता है बोलेगा, आम लोग बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, जाके पता करें सरकार के लोग, आज तक उसके घर द्वार कोई देखने नहीं गया, हॉस्पिटल में कोई देखने नहीं गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी आदमी नहीं गया, और बोलता था कि सर आपने तीर धनुष हमारा है हमारा है, अभी कहाँ चला गया आपका तीर धनुष, तो क्यों नहीं जा रहे हैं लोगों का सुधी लेने के लिए? आज यहाँ छत हॉस्पिटल में लोग हैं, किसी का सिर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, और FIR लॉज नहीं होता है, कौन देखेगा? FIR नहीं हुआ। एक आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी का पिटाई होता है, वो जन्मीन है, और आज उसको देखने वाला पार्टी के लोग एक भी लोग नहीं गए हैं, उस क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय स्टीफन मंडल जी भी नहीं गए हैं देखने के लिए। वोट लेते हो और गरीब को भूल जाते हो, आदिवासी को भूल जाते हो, आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा, बहुत कम समय आ रहा है। तो आप भी मान रहे कि संथाल में अभी पीड़ित हो गया है आदिवासी समाज, वहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी की योग की संख्या अधिक हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, हम झूठ है तो क्या माने न्यायालय झूठ है क्या? आदेश दे दिया है सभी DC को, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? तो बोल रहे कि आप तो बीजेपी का भाषा बोल रहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है? भाई यार ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी वाला वो निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, हम उनसे पूछिए, और बॉर्डर सिक्योरिटी में अगर वहाँ कुछ चूक हो गया है, ठीक है मानते हैं लोग आए हैं, तो आप भी चुप बैठोगे क्या? आप भी चुप बैठोगे? तो आप क्या चाहते हैं, मतलब NRC लागू हो वहाँ पे? एकदम NRC लागू हो, क्यों लागू नहीं होगा? जो सरकार को करना है करना चाहिए, लेकिन चुप क्यों बैठा है? जब DC सब सभी DC को आदेश दिया गया है, कहाँ है, क्या रिपोर्ट आया, कितने लोगों को छानबीन हुआ, कितने लोगों को निकाला गया? तो डेमोग्राफी चेंज जो बोल रहे हैं बाबूलाल मरांडी की, इसकी जांच होनी चाहिए, वाकई में आप भी मान रहे हैं कि वहाँ पे डेमोग्राफी? बाबूलाल मरांडी तो बोल ही रहे हैं, और लोग भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, और यहाँ आदिवासी लोग भी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पीड़ित है। और अभी मैं बता रहा हूँ, भाई आज रिसेंट आज की रात में पाकुड़ जिला कल्याण छात्रावास में, आदिवासी छात्रावास में, वहाँ पर भरदम माने जितना पिटने का था पिट दिया लोग वहाँ के छात्राओं को, छात्रों को। कौन? पुलिस। किस बात को लेकर? लोग बोल रहे हैं कि शायद कुछ ट्रैपिंग हुआ था, उसी का पता लगाने करने गया था कि यहाँ की ट्रैपिंग हुआ है। अरे जहाँ ठीक है, मान लिया कोई लड़का कोई गलती कर भी है, मान लेते हैं, ये तो जाँच का विषय है, तो एक लड़का दो लड़का अगर गलती किया हो तो जांच में आएगा क्या सही है क्या गलत है। बट सारे स्टूडेंट जो सोए हुए थे 12:30 बजे रात को, 150 पुलिस जाकर कितना मारपीट किया है, अभी सब होटल पर हॉस्पिटलाइज है, तो हम नाम बता दे रहे हैं, तो बताई भी। हाँ ठीक है, मतलब आप जो बोल रहे हैं। हाँ, अभी हॉस्पिटलाइज है, कोई देखने नहीं गया, कोई देखने नहीं गया। मैं कल जा रहा हूँ, और वहाँ गाय बथान में जो जमीन के मामले में जो लड़ाई हुई थी दो समुदाय में, आदिवासी और मुस्लिमों के बीच में, वो आदिवासियों की जमीन है, और वहाँ पर वो लोग झोपड़ी बनाया था, उसको तोड़ करके वहाँ पर उन लोगों को मारपीट किया है, और FIR तक लॉज नहीं हुआ। ठीक है, निशिकांत जी बोल रहे हैं कि अगर संथाल परगना को बचाना है तो अलग स्टेट बनाना होगा, कुछ बिहार का हिस्सा लेके और पूरा संथाल परगना। आप भी मानते हैं कि संथाल परगना एक अलग स्टेट होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, होना चाहिए। जब इस झारखंड में जो माननीय गुरुजी के द्वारा ये झारखंड अलग राज्य हुआ, तो इस राज्य में अगर वहाँ आदिवासी को न्याय नहीं मिलेगा तो अलग से आदिवासियों के लिए अलग स्टेट होना चाहिए संथाल परगना। अब क्या मानते हैं इसको, साधारण सा बात मत मानिए। इस आंदोलन में आदिवासी यहाँ के मूलवासियों का हाथ है, बहुत लोग जेल भी गए
और बहुत लोग के ऊपर केस अभी भी चल रहा है राज्य अलग हुआ, लेकिन राज्य अलग होने के बाद यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को क्या मिला? और आदिवासी मुख्यमंत्री, यही मुख्यमंत्री ने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया स्थानीय नीति लेकर के, इसके बाद भी उसको 14 महीने का कार्यकाल मिला, क्या किया? और अभी 5.5 साल होने जा रहा है, अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना। और आप देख रहे हैं ना, कल पर जो नियुक्ति पत्र बांटा, 28 बेटे 17 सिर्फ बाहर के लोग हैं। आज अगर स्थानीय नहीं होता नहीं आ पाते। अभी भी मैं कहता हूँ कि आप अभी ऐसा एक नियम बना दो कि जिसके हाथ में खतियान है, जिसका मैंने प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जिसके हाथ में निवास प्रमाण पत्र होगा उसी का होगा जिसका जमीन होगा। तो दादा वो जेपीएससी एग्जाम लिया था नगर टाउन प्लानर का, बोला जेपीएससी में कहीं होता है क्या? आप लोग तो थर्ड और फोर्थ ग्रेड में। टीचर का बहाली में हुआ कि नहीं हुआ? टीचर का बहाली में कितने बाहर के लोग आ गए? मैंने खुला खान छोड़ दीजिएगा झारखंड को, आस्था नीति की बातें हटा दीजिए आप। क्यों एक तरफ से आस्था नीति का आप पहले बोल रहे थे कि हम आस्था नीति, क्यों आप बोल रहे थे आस्था नीति लागू करेंगे, क्यों आप बोल रहे थे? क्या हुआ आस्था नीति का? अभी बोले कि हम तो पास करके भेज दिए हैं गवर्नर साहब। क्या पास करके, उल्टा पुल्टा का बात हम नहीं सुनने जाएंगे। ये बात है कि आप ही ने कहा था, लोबिन हेम्ब्रम ने पढ़ाया था क्या? लोबिन हेम्ब्रम मैनिफेस्टो बनाया था क्या? आप मुकर गए? आप आदिवासी को भूल गए? आदिवासी का वोट लेकर के सरकार बनाए, अब आदिवासी लोगों को पीटा जा रहा है, छात्रावास में छात्रों को पीटा जा रहा है। यही है झारखंड। तो लेकिन एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे भी, तो लोग पूछेगा ना, आप इतना साल जेएमएम में रहे हैं, कभी कभी नहीं बोले कि मुस्लिम या बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है रोहिंग्या की? बोले इस बार जब मंत्री नहीं बने आप तो आपको सब डिमेरिट नजर आने लगा। मैंने दौरा नहीं किया था और इस समय हमको दौरा करने का मौका मिला। अच्छा, लोकसभा की वजह? जी, लोकसभा की वजह से हमको तब। तो संथाल में कौन कौन सा इलाका में आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब पाकुड़ में, साहेबगंज में, दुमका में, गोड्डा में, जामताड़ा में? अभी तक आप लोग सोए बेपता नहीं है कि यहाँ पर माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश आ गया है? अभी तक नहीं पता? अभी तक क्या कर रहा है लोग, कितने लोगों को चिन्हित किया? लेकिन जेएमएम तो बोल रही कि इस तरीके का कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, स्पीकर बोल रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है इतना नजदीक में रहने के बाद भी? स्पीकर बोल रहे हैं, वहीं संथाल से आते नाला विधानसभा ना, स्पीकर क्या बोलेगा मुख्यमंत्री के? नहीं बोलेगा, क्योंकि वो वोट बैंक बना रहा है, वोट बैंक है उसका, यही है और कुछ नहीं है। सारा चीज जानकारी है किसको जा रहा है? मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं? ये इतना लज्जा की बात, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है कि यहाँ इतना घुसपैठी ढुक रहे हैं? आप बोलते हैं जानकारी नहीं है, एक आदिवासी होने के नाते भी आपको जानकारी नहीं है? एक आदिवासी होने के नाते भी आप यहाँ आदिवासियों को जमीन लुटा जा रहा है, यहाँ के मूलवासियों को जमीन, वो भी आपको जानकारी नहीं है? ठीक है, एक पर्सनल सवाल का जवाब दीजिए, गुरु जी से जाएंगे मिलने आप? गुरु जी से हम मिलते रहेंगे, जाएंगे, निश्चित जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? पार्टी में रहें या ना रहें? पार्टी में रहें चाहे नहीं रहें, गुरुजी गुरुजी हैं। लेकिन आज गुरुजी को ये लोग मोहरा बना के रख दिया। आज हमको हमारा जो मेंबरशिप खत्म किया, कि गुरुजी को ये पता है क्या? नहीं पता है, मैं दिल से बता रहा हूँ, ये लोग उसका फायदा उठा रहा है। तो अध्यक्ष ने ही आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया? सुनिए ना यार, उसको दस्तखत करा दिया होगा, उसको पता भी नहीं रहता है, दस्तखत करिए गुरु जी, वही होगा जो रियल बात मैं बता रहा हूं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।